मनावर कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार से फिल्म आर्टिकल 15 को टैक्स फ्री करने की मांग की है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। वो इस मांग को लेकर सरकार को पत्र भी लिखेंगे और इससे पहले फिल्म को लेकर ब्राह्मण समाज प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन कर चुका है। ब्राह्मण समाज ने फिल्म निर्माताओं पर घटना के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके ब्राह्मण समाज की छवि को खराब करने का आरोप लगाया है और फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। ऐसे में मनावर कांग्रेस विधायक ने फिल्म आर्टिकल 15 को प्रदेश में टैक्स फ्री करने की मांग कर सियासत को गरमा दिया है। बता दें कि बीते दिन इस फिल्म पर ग्वालियर, भोपाल, खंडवा समेत कई जिलों में विरोध देखने को मिला था। एक बेहतरीन फिल्म है जो हमारे देश की वर्तमान व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में पेश करती है। आर्टिकल ये मूवी देश के प्रत्येक नागरिक को देखना चाहिए, इस देश के हर युवा को देखना चाहिए। और जो आर्टिकल 15 में जो संविधान में व्यवस्था दी गई है कि कैसे हमारे देश में हमको समानता का व्यवहार रखना चाहिए, किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, स्थान या व्यक्ति के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते, चाहते हैं कि इस मूवी को मध्य प्रदेश में इसको मध्य प्रदेश सरकार टैक्स फ्री करे और ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता तक ये मूवी और इस देश की गरीब लोगों की हकीकत आम लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।